मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। टुडे वी शैल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद द थ्योरीज ऑफ पीटर सेलोबी एंड डेनियल गोलमैन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएड एमएड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी एजुकेशन एनटीए नेट जेआरएफ एजुकेशन ऑल स्टेट स्टेट्स एंड सुपर टेट एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय की। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेलोबी एंड डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत की। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक या भावनात्मक बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी हेल्प करती है सोसाइटी में रिलेशन बनाने में, सोसाइटी को डील करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में। चलिए हम डिस्कस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या सांवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि क्या होती है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1990 में दिया गया था। किसके द्वारा? पीटर सेलोबी एंड जॉन मेयर्स के द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को या संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले कौन दिया था? तो दिए थे पीटर सेलोबी एंड जॉन मेयर्स। कब दिए थे? 1990 में। इसके बाद में डेनियल गोलमैन ने 1995 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था पूरे वर्ल्ड में बहुत फास्टली, बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस आई, वो जानना चाहते थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो सबसे पहले बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस की या सांवेगिक बुद्धि की पीटर सेलोबी और जॉन मेयर्स ने, और इसको फेम या प्रसिद्धि किसने दिलाई है? संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को फेम या प्रसिद्धि दिलाई है डेनियल गोलमैन ने, जिन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया था इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू इन द न्यूयॉर्क टाइम्स में। ये बेस्ट सेलर बुक लिस्टेड हुई थी 1.5 ईयर के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए ये टॉप मोस्ट बुक थी वहाँ पर, और इसको वर्ल्ड वाइड 40 लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था और इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में स्प्रेड किया गया था डेनियल गोलमैन के द्वारा। यहाँ पर आपने बुक का नाम सुना है, देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। यहाँ पर जब बात होती है आईक्यू की, इंटेलिजेंट कोजेंट या बुद्धि लब्धि, देखो जब हमने इंटेलिजेंस की थ्योरीज को पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा बिने साइमन की यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, आपने थर्स्टन की थ्योरी को पढ़ा होगा ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को आपने पढ़ा है, यहाँ पर गिलफोर्ड का SI मॉडल पढ़ा होगा, बर्निन फ्लेंडर की थ्योरी को हमने पढ़ा है, हमने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राईआर्किक थ्योरी को पढ़ा है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि इंटेलिजेंस को बताया गया था कि मैथमेटिकल एबिलिटी है, म्यूजिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी है। कहने का मतलब यहाँ पर आईक्यू को एक लिमिट में, एक दायरे में फिक्स कर दिया गया था। किसके लिए? अचीवमेंट के लिए, क्लासरूम अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट या किसी जॉब को हमको गेन करना है तो अगर हमारा आईक्यू स्ट्रांग है तो हम उस जॉब को इजीली गेन कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर आईक्यू का जो मीनिंग है वो क्लासरूम या एकेडमिक फील्ड से लिया गया, लेकिन हमने अपने आईक्यू की बेस पर जॉब को ले लिया, जॉब हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद जब हम उस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ में, डिफरेंट टाइप्स के लोगों के साथ में रिएक्ट करना होता है, उनके साथ में डील करना होता है, उनके साथ रहना होता है, अपने एक्सप्रेशन को उनके साथ शेयर करना होता है, उनके एक्सप्रेशन को सुनना होता है, समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग करना होता है। वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस अपना मेजर रोल प्ले करती है। क्यों? कि आईक्यू के थ्रू आपने एकेडमिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपकी एबिलिटी डेवलप हो गई और उसके बाद में आप जॉब में आ गए, वर्क प्लेस पे आ गए। अब वहाँ पर कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है, तो वहाँ पर जो टॉपिक हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमको बताता है कैसे लोगों के साथ मैनेज करना है, कैसे लोगों को डील करना है,
कैसे लोगों के इमोशन को समझना है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, कैसे इमोशन को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की या भावनात्मक बुद्धि की या इमोशनल इंटेलिजेंस की, व्यक्ति अपने लाइफ में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हम क्लासरूम की बात कर लें, हम सोसाइटी की बात कर लें, हम अपनी फैमिली की बात कर लें, प्रत्येक व्यक्ति अपने लाइफ में अपने कंडीशंस को, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है, अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। और ये जो प्रयास किया जाता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में सुख दुख के पल आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जॉयफुल हैप्पीनेस होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी आ जाती है। उस हैप्पीनेस को कंट्रोल करना है हमको, इतने ज़्यादा खुश ना हो जाएं कि सामने वाला पर्सन आपको पागल समझने लगे वहाँ पर। और अगर हमारे सामने कोई एंजाइटी का फेस आता है, उसको भी हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, यह हमारे अंदर फियर और एंगरनेस के इमोशंस जेनरेट होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं, तो उनको उतनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना कि हमारा बिहेवियर ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो, हम किसी के साथ में जेलसी फील नहीं करेंगे, किसी के साथ में बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं रखना है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड टाइप्स में मैनेज करना है। तो संवेगात्मक बुद्धि हमारी वही बुद्धि है जो लोगों की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, उनकी फीलिंग को प्लेस देना, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सब काम होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब जब हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, बात किए हैं पीटर सेलोबी, जॉन मेयर्स 1990 में, इससे पहले का बात हुई थी, जब आपने पढ़ा है थ्योरी थॉर्नडाइक के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, वहाँ पर उन्होंने बताया है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि को जब ब्रॉड वे में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट निकल के आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। यह हम बात कर लेते हैं हॉबर्ट गार्डनर की, जब उन्होंने दिया है वहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों की समझ होना, लोगों की फीलिंग को समझना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, तो जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट था सोशल इंटेलिजेंस, अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको डिटेल में हम और ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, 1990 में इंट्रोड्यूस कराया था पीटर सेलोबी ने, और 1995 में इसको फेम या प्रसिद्धि दिलाई थी डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेलोबी, सेलोबी ने एक डेफिनेशन दिया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, लर्निंग टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस इन वन सेल्फ एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द इमोशनल रिस्पॉन्सेस ऑफ अदर्स। यहाँ पर जो हमारी संवेगात्मक बुद्धि है या हमारी भावनात्मक बुद्धि है, या जिसको हम बोल सकते हैं सांवेगिक बुद्धि, एक इस प्रकार की बुद्धि है, इस प्रकार की एबिलिटी या योग्यता है जो अपने आप के इमोशंस को पहचानी, अंडरस्टैंडिंग करना, दूसरों की भावनाओं, दूसरों की फीलिंग को पहचानना। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या आपके अंदर सकारात्मक या पॉजिटिव एक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, जो रिएक्शन होते हैं, उनके प्रति, उनको रिकॉग्नाइज करने की आपके अंदर एक क्षमता, एक दक्षता विकसित हो। इसके साथ साथ में लोगों के इमोशन, लोगों के फीलिंग, लोगों के एक्सप्रेशन, लोगों के बिहेवियर, लोगों के हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करना, उनके इमोशन को समझना, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ में डील करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बात हो रही है, अगर आपके सामने कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा एंगरनेस, बहुत गुस्से गुस्से में है, तो क्या है, आप उस टाइम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे उस टाइम उसके साथ में इंटरेक्शन ना किया जाए। जब उसका मूड नॉर्मल हो, तब आप उसको उस बारे में वहाँ पर बता सकते हैं कि जो उस समय बात चल रही थी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वैसा नहीं था। यहाँ पर हमको कोई भी डिसीजन ना ज़्यादा खुशी में लेना है और ना ज़्यादा क्रोध में लेना है। यहाँ पर जब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे जो दिया गया है कॉन्सेप्ट डेफिनेशन गोलमैन की, जो 1998 में दी गई है,
द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग अवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग अवर सेल्फ एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन अवर सेल्फ एंड इन अवर रिलेशनशिप। यहाँ पर डेनियल गोलमैन ने बताया था, खुद की फीलिंग को पहचानना, खुद के इमोशंस को पहचानना, खुद की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, या ऐसी एबिलिटी जो खुद के इमोशन को आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके, कहने का मतलब क्या हमारा सही है, क्या हमारा गलत है, कौन सी चीज़ हमारी पॉजिटिव वे में जा रही है, कौन सी चीज़ हमारी निगेटिव वे में जा रही है। इसके साथ साथ फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल भी कर सके। फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब है, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है, कोई जब आप किससे सुनते हैं प्यार मोहब्बत की, तो देखते हैं किसी किसी का अटैचमेंट इतना बढ़ जाता है कि जब दोनों में ब्रेकडाउन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो आपने देखा होगा कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, 15-20 दिन तक उनका वही चलता रहता है। तो इस तरह से हमको उतना अटैचमेंट करना है जितने से हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारी सांवेगिक स्थिरता बनी रहे। तो हमको यहाँ पर वो बिहेवियर करना है जो एक लिमिट में हो, जो एक फिक्स दायरे में हो। कहने का मतलब हम इतना ज़्यादा हैप्पीनेस होंगे जितनी हैप्पीनेस हमको ज़रूरत है, या हम एंगरनेस, या जब हम बहुत ज़्यादा क्रोध होते हैं उसको भी आपको कंट्रोल करना है, आपको अफेक्शन को भी कंट्रोल करना है। आपके जितने भी इमोशन हैं उन इमोशंस को नदियाँ नहीं बहानी हैं, उस इमोशंस को रोक रोक कर बांध की तरह या ब्रिज डैम की तरह उनको धीरे धीरे या अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको डील करना है, ठीक है। और क्या करना है, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना, ये है डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दो मॉडल्स की जो दिए गए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। पहला मॉडल है आपका एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्षमता मॉडल। दूसरा है आपका मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पहला दिया गया है पीटर सेलोबी जॉन मेयर्स के द्वारा, दूसरा दिया गया है डेनियल गोलमैन के द्वारा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्षमता मॉडल की, ठीक है, तो क्षमता मॉडल में पीटर सेलोबी और जॉन मेयर्स ने 1990 में दिया था, 1990 में, और इन्होंने 4 टाइप के एलिमेंट्स बताए थे जो इमोशनल इंटेलिजेंस में ज़रूरत होती है। इन्होंने अपना रिसर्च पेपर इमोशनल इंटेलिजेंस में 1990 में पब्लिश किया था, जहाँ पर इन्होंने परसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस की बात की है। पहला आपका परसेविंग इमोशंस, वही भावनाओं को पहचानना, यहाँ पर अपनी भावनाओं को भी पहचानना, अपनी फीलिंग को भी पहचानना, और आपके ग्रुप में, आपके सोसाइटी में, आपके क्लास में, फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर आप क्लास में हैं तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, बच्चे के इमोशन को भी रिकग्नाइज करना है, उनके इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, उनके इमोशंस को मैनेज करना है, उसके साथ ही उनके साथ में इंटरेक्शन करना है। दूसरा है हमारा यूजिंग इमोशंस, भावनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो यहाँ पर आप देखते हैं बहुत टाइम या जब हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो कॉग्निटिव एक्टिविटी या कॉग्निटिव प्रोसेस कंपाइल होती है, प्रोसेस गोइंग ऑन होती है। तो वहाँ पर भी जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में थिंकिंग करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का यूज़ करते हैं, तो जब हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो अपने मूड के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को हम फेवर में बना लेते हैं। अगर वो कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होती है तो वहाँ पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। यहाँ पर कहने का मतलब हमारे सामने जो ग्रुप है उनके इमोशंस को हमको समझना है, कब उसकी क्या नीड है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसके एक्सप्रेशन है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमको दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना है, और लास्ट में है कैसे हम उनको मैनेज करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेनियल गोलमैन की, जिनकी बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। 1995 में इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा फेम दिलाई, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। और यहाँ पर पहला आपका आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। इन्होंने जो कंपोनेंट बताए उसमें आपका पहला है सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं स्व जागरूकता, ठीक है, या जिसको हम बोल सकते हैं खुद की पहचान।
और यहाँ पर एक चीज और है, डेनियल गोलमैन ने यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि हमारे लाइफ में जो सफलता होती है, जो सक्सेस रेट होता है, जो हमको कोई जॉब मिलती है या हम कहीं पर भी सोसाइटी में सफल होते हैं, तो उसमें 80% रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का और केवल 20% रोल होता है हमारे इंटेलिजेंट कोजेंट का, या हमारी जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है। तो डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग 80% मेजर रोल प्ले करती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, 20% का रोल प्ले करती है हमारी इंटेलिजेंट कोजेंट। और इन्होंने ये भी बताया था कि महिलाओं में, फीमेल में इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तुलना में किसके, पुरुषों के या मेल के। तो पहला है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं खुद की पहचान या स्व जागरूकता। तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको अपने पॉजिटिव पॉइंट, अपने नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझने में मदद मिलती है, और हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर अपने कार्यों को यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारा हमारा पहला हो जाता है यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक लाइन और कही गई है आपकी, द सेल्फ अवेयरनेस इज ए की स्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग ए फीलिंग्स एज इट हैपेंस, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस फीलिंग फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट इन क्रूशियल टू साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वेयर एज इन एबिलिटी टू नोटिस आवर ट्रू फीलिंग्स लीव्स अस एट देयर मर्सी। कहने का मतलब है, टाइम टू टाइम या कंडीशंस के चेंज होने के साथ साथ में हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन एक्सप्रेस होते हैं, उनको कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करना, एक काम होता है सेल्फ अवेयरनेस का। अगला है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, स्व प्रबंधन भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आत्म प्रबंधन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट दोनों वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है आपको, कैसे उनको मैनेज करना है। अगर आपकी क्लास में, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपकी ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ, तो कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको मैनेज करना है, ये एबिलिटी आपको देती है कौन, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्सप्रेशंस को दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं आप बहुत किसी के मतलब की बात कहेंगे, उसका सेंस कुछ और होगा, सामने वाला उसको ले लेता है किसी और सेंस में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है उसको इमोशंस की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है कि अगला वाला बंदा, सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है वहाँ पर, तो सीधे सीधे वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम अपने एक्सप्रेशन को दूसरों के सामने उस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि सामने वाला उनको पॉजिटिव वे में ही ले। कभी कभी हमारा जो मानना होता है, हम कहना पॉजिटिव ही चाहते हैं लेकिन सामने वाला निगेटिव वे में उनको ले लेता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम अपने एक्सप्रेशंस को बैलेंस वे में रिप्रेजेंट करें, जिससे कि सामने कोई कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर जो हमारे सामने नेगेटिव कमेंट आते हैं, उन नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हमको कंट्रोल करना है, तो ये यहाँ पर बात होती है जो हमारे इमोशंस को मैनेज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हैंडलिंग फीलिंग्स, लोगों की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, ये किसके ऊपर बेस्ड होती, ये बेस्ड होती है आपके सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने आप को जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, तभी आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए एक लाइन कही गई है यहाँ पर, ए लाइफ विदाउट इमोशन वुड बी ए डल वेस्ट लैंड। अगर किसी की लाइफ में इमोशन नहीं है, उसको इमोशंस की समझ नहीं है, किस तरह से इमोशन संवेग को हमको एक्सप्रेस करना है, कैसे रिलीज करना है, कैसे रिकग्नाइज करना है, तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बंजर भूमि होगी, वेस्ट लैंड, ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं, यूजलेस होगी, या वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होगा, आइसोलेटेड या कट ऑफ होगा। और क्या होता है, यहाँ पर बहुत चीज़ें होती हैं, कब हमको किस टाइम कितना इमोशन जेनरेट करना है, कितना इमोशन यूज़ करना है, एक काम होता है किसका, एक काम होता है सेल्फ रेगुलेशन का। अगला हमारा आ जाता है सोशल स्किल, सामाजिक दक्षता, ठीक है, या सामाजिक कौशल।
देखो सामाजिक कौशलता की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर सबसे पहले तो एक एबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। क्यों? सामने वाले को आप पहले सुन पाएं। अगर आप सामने वालों को सुनेंगे नहीं तो आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंस की फीलिंग आएगी नहीं, तो आप लोगों के साथ भी मैनेज कर नहीं पाएंगे। और क्या होगा, आपके अंदर क्वालिटी हो इंट्रैक्शन की, आपके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आप कम्युनिकेटर हो, आप मतलब परफेक्ट कम्युनिकेटर हो, अपनी बात को रख पाएं। तो इस तरह का गुण होता है जो लोगों के साथ में रिलेशन को मैनेज कर पाए, ठीक है, लोगों को साथ में रख पाए वहाँ पर। तो सामाजिक कौशल का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा होता है कि जो हमारी सोसाइटी में, चाहे वो हमारा फैमिली हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे सोसाइटी हो या हमारी क्लास हो, तो आर्ट ऑफ रिलेशनशिप, ये संबंध बनाने की एक कला है, स्किल इन मैनेजिंग इमोशंस इन अदर, और दूसरे लोगों में कैसे इमोशंस को मैनेज करना है। दीज आर द एबिलिटीज दैट स्ट्रेंथ पॉपुलरिटी, इस तरह की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमको लोगों में फेमस करती है, पॉपुलर करती है। लीडरशिप एबिलिटी डेवलप होती है, लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता डेवलप होती है, और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, लोगों के बारे में समझना, लोगों की राय आपके प्रति क्या है और आपकी राय लोगों के प्रति वहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यही होता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसके थ्रू आप लोगों को समझते हैं, रिलेशन स्ट्रांग रखने की कोशिश करते हैं। पीपल हु हैव हाई इमोशन इंटेलिजेंस, जिन लोगों के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली संविज्ञात्मक बुद्धि होती है, वो लोग सामाजिक रूप से बहुत उच्च होते हैं, बहुत चेयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, और कभी भी वो भय युक्त नहीं रहते हैं, मतलब भय मुक्त रहते हैं, कभी उनको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर सीधे सीधे यही होता है, ठीक है, अगला हमारा एम्पैथी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं समानुभूति। एम्पैथी में क्या होता है, दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एक कैंडिडेट है और उसको जब आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मेलंकली मूड में है। अब आपको नहीं मालूम है कि उसके साथ में क्या हुआ, आप उसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, जब वो आपको अपनी स्टोरी बताएगा तो अब उसको आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपैथी की जरूरत नहीं है वहाँ पर। अब आप पर वहाँ पर कोशिश करेंगे, जब वो आपको अपनी स्टोरी बता रहा है वहाँ पर, तो उस बच्चे की जगह पर, उस कैंडिडेट की जगह पर, उस पर्सन की जगह पर आप अपने आप को खुद रखेंगे, ठीक है, और फील करेंगे अगर आप वहाँ पर होते तो आपके साथ में क्या होता। तो ये होता है एम्पैथी आपका। तो ठीक है, एम्पैथी इज ए फंडामेंटल पीपल स्किल, जो हमारी समानुभूति है वो हमारी सोसाइटी में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, लोगों को समझने में हमको बहुत हेल्प करती है। एम्पैथी बिल्ड्स ऑन सेल्फ अवेयरनेस, और ये हमारी स्व जागरूकता के थ्रू आती है, डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्पैथी का मतलब यही है कि हम लोगों को पहचान सके, क्या उनकी फीलिंग है, क्या उनकी नीड है, क्या उनकी डिमांड है। अगला हमारा आ जाता है लास्ट में मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमको एक्सटर्नल मोटिवेशन को अवॉइड करना है, हमको बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करना है। बच्चा जब कभी भी फील करे कि वो, कभी भी बच्चा डिस्करेज फील करे, तो उसके अंदर मोरल बूस्ट करना है और उसको इंटरनली मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने स्किल्स, अपने जो गोल हैं उनको बहुत अच्छे से अचीव कर पाएगा। कोशिश यही रहेगी कि बच्चे को हम एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं करेंगे, हम बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करेंगे, ठीक है। अब हमारा आगे आ जाता है, करेक्टरिस्टिक क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो पहला आपका एम्पैथी, समानुभूति, लोगों को समझना, एडजस्टमेंट एंड डिसीजन, अपने अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना है किसी कंडीशन में और कैसे डिसीजन देना है। डिसीजन कभी भी हम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मूड में नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम एंगर या फियर या बहुत ज़्यादा क्रोध में होंगे तब भी नहीं लेंगे। सेल्फ मोटिवेट, अपने आप मोटिवेट रहेंगे। कंट्रोल ओवर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। जॉब परफॉर्मेंस, जहाँ कहीं हम जॉब करेंगे, जहाँ कहीं हमारा वर्क प्लेस होगा, वहाँ लोगों को बहुत अच्छे से डील करेंगे, लोगों के साथ में हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे। अगला हमारा होता आता है प्रिडिक्शन, यहाँ पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू कि हमारे जो रिलेशन है, जो हमारी चीज़ें रहेंगी, वो आगे किस तरह से रहेंगी। चलिए हम और बात करते हैं थोड़ी, कि यहाँ पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या
उपयोगिता हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर हो, चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। शैक्षिक निहितार्थ क्या होंगे संवेगात्मक बुद्धि के, या शैक्षिक महत्व क्या होंगे? चिल्ड्रन कैन बी टॉट डेट ऑल इमोशंस आर हेल्दी बिकॉज इमोशन आर बॉड यूनाइट द हार्ट माइंड एंड द बॉडी। यहाँ पर हर बच्चे को मालूम होगा जो इमोशन होते हैं, जो हमारे संवेग होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, वो जरूरी होते हैं, और उसके थ्रू हमारा हार्ट, हमारा माइंड, हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। द चिल्ड्रन कैन बी हेल्प टू डेवलप द एबिलिटी टू करेक्टली परसीव द फीलिंग ऑफ देम सेल्फ। हम बच्चों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करेंगे वो लोगों की भावनाओं को समझ सकें, अपनी भावनाओं को भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। और यहाँ पर क्या होगा, हम उनके अंदर टेंशन, वर्कलोड, क्लासरूम स्ट्रेस, या कहीं जॉब करते उसको कम कर पाएँ, और बहुत बेटर लाइफ जीने के लिए हम उनको आगे प्रमोट कर पाएँ। और जो हमारे रिलेशनशिप हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में उनको मदद मिलेगी। ठीक है, लोगों के साथ में सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जो व्यवहार होगा वो आपका एम्पैथेटिक होगा, और क्या होगा, दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनके संवेगों को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लीडरशिप एबिलिटी डेवलप होगी उनके अंदर, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनके अंदर बहुत अच्छे से होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, और इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को। होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तब तक के लिए थैंक यू।